हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लास थर्ड चैप्टर फिफ्थ डिवीजन एक्सरसाइज 5.1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 यूजिंग अ नंबर लाइन डिवाइड द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि ये जो यूजिंग अ नंबर लाइन डिवाइड द फॉलोइंग कैसे करेंगे हम। मान लो हमारी क्लास में जैसे वन स्टूडेंट है, उसके पास वन स्टूडेंट के पास जैसे ये स्टूडेंट है, वन स्टूडेंट के पास 8 कैंडीज हैं, तो वो ईच स्टूडेंट को 2 कैंडी देगा, तो वो कितने स्टूडेंट को कैंडी देगा। तो ये देखने के लिए हम नंबर लाइन की हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नंबर लाइन को कैसे करना है। तो जो इसके नंबर लाइन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो फर्स्ट पॉइंट है अपना, वो क्या है? द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जंप, कि जहाँ से अपने सम को करना स्टार्ट करना है, यानी कि वो कहाँ से, कौन सा पॉइंट है जहाँ से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि वो फर्स्ट नंबर को लेना है हमने, यानी कि फर्स्ट नंबर को ही हमने स्टार्टिंग पॉइंट मानना है। उसके बाद है जो, जैसे मान लो जैसे 8 / 2, तो इसमें फर्स्ट नंबर 8 है, तो हम इसको ही स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो 2, यानी कि इसमें कितने साइज का हम जंप करेंगे, द साइज ऑफ ईच जंप। तो ईच जंप का साइज क्या होगा? पहले हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो 8 से किया था, अब क्या है जो जंप करना है हमने, ईच स्टेप जो हमने गैप देना है वो क्या करना है, सेकंड नंबर को देखना है इसमें हमने। ओके, तो अब जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, द जंप्स मस्ट एंड एट 0, कि जो एंड में जो स्टेप है 2 का गैप लेके हम जब बैक साइड को चलेंगे, यानी कि बैकवर्ड जाना है, हमने जो डिवाइड में नंबर लाइन में हम बैकवर्ड जाते हैं, मल्टीप्लाई में हम फॉरवर्ड जाते हैं। ओके, तो जब तक हम 0 तक पहुंच नहीं जाते तब तक ये सम का एंड नहीं होगा और इस सम का आंसर नहीं आएगा, करेक्ट। ओके, तो अब हम इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेकर नंबर लाइन पे इसको करते हैं, 8 / 2। ओके, तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट क्या मानना है, 8। तो नंबर लाइन में जब बनाते वक्त आपने 8 तक भी नंबर राइट कर सकते हो और उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो 8 को हमने क्या माना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट माना। अब क्या करना है हमने, द साइज ऑफ ईच जंप, तो जंप का साइज क्या होगा, 2। ओके, तो कितने का गैप होगा, अब जैसे 1 2, तो 2 कहाँ आएगा, 6 में, तो हम 8 से जंप किया और 6 तक आगे, उसके बाद है फिर 2 का गैप, 1 2, अब किस पे जंप करेंगे, जैसे 4 नंबर पर, अब 4 पे जंप किया तो ये सम का एंड नहीं हुआ अभी, एंड तब होगा जब हम 0 तक पहुंचेंगे 2 का गैप लेके। ओके, तो अब है, अब 1 और 2, अब हम 2 पर जंप करेंगे और इसके बाद है 1 एंड 0, इसके बाद हम 0 पर जंप करेंगे, तो ये क्या हो गया, सम का एंड पॉइंट हो गया। ओके, 8 क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और 0 क्या है, एंड पॉइंट है सम का। अब जो इसका आंसर है वो कैसे पता चलेगा हमें, जो हमने ईच जंप किया है ना, उसको अब हम काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 एंड 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। ओके, तो वो कितने स्टूडेंट में कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 4 स्टूडेंट्स में। ओके, तो अब जो है हमारा, अब एक और नंबर लाइन हम ट्राई करते हैं, ये करते हैं हम 15 डिवाइड
3, यानी कि 15/3। तो इसको भी हम नंबर लाइन की हेल्प से करेंगे। जैसे इसमें अब जो नंबर हैं वो अभी राइट नहीं किए, ये नंबर हैं जो आप नंबर लाइन के नीचे ही राइट करोगे। ओके, तो ये प्रॉपर गैप आप लोगे इसका नंबर लाइन का। अब क्या है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, सबसे पहले हमने क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग जो है हम स्टार्टिंग पॉइंट पे ही, यानी कि बैकवर्ड जाना है, हमने जीरो से स्टार्ट नहीं करना, हमने जो फर्स्ट नंबर है उसको ही स्टार्टिंग पॉइंट मानना है डिवाइड में। तो अब क्या है, हम 15 को स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे और द साइज ऑफ ईच जंप। तो क्या है, पहले हमने 2 का गैप किया था, अब हम 3 का गैप करेंगे। ओके, तो अब क्या है, 1, 2, 3, तो अब हम जंप करके कहाँ जाएंगे, 12 पे। ओके, तो अब इसके बाद है 1, 2, 3, इसके बाद हम 3 का फिर गैप करेंगे और 9 पे जंप करेंगे। उसके बाद 1, 2, 3, उसके बाद हम 6 पर जंप करेंगे, फिर 1, 2, 3, फिर 3 नंबर पर, इसके बाद 1, 2 एंड 3। तो अब ये 0 पर जंप हो गया इसका, तो ये क्या है, इसका एंड पॉइंट है। ओके, तो ये क्या है, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, अब 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका आंसर क्या आ गया, 5। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आप अपनी एक्सरसाइज जो 5.1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 4th है, ये दोनों क्वेश्चन हैं जो ए एंड बी, ए में 2 का गैप है और बी में 3 का गैप है, और जैसे 10 है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, तो आप इसमें 2-2 का गैप करोगे, और इसमें 18 है स्टार्टिंग पॉइंट, तो आप इसमें 3-3 का गैप करोगे, और इसके अलावा आप रफ नोटबुक में और सम भी ट्राई करोगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।